तो भाई लोग कैसे हो तो भाई आज मैं कॉलेज के दिन था इसलिए भाई एक भी मैच नहीं खेला सुबह से मैंने सोलो एफ पी का टी पी पी सुबह समय एकदम जय में खेले था मैंने भाई मस्त लॉबी आ रही है बट भाई एफ पी पी की बात करते हैं सोलो एफ पी पी की एक भी लॉबी नहीं खेली एक भी मैच नहीं खेला गेम प्ले था नहीं तो पुराना गेम प्ले भाई ये पहले बोलते रहो गाली देनी तो दे दो कोई दिक्कत नहीं चलेगा इतना तो तो भाई बात करते हैं कॉलेज की सॉरी सॉरी तो भाई प्रोजेक्ट देना है मुझे एक तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रेगुलिटी हो जाए मतलब मतलब रेगुलर ना हो पाऊँ तो इसके लिए माफ़ी कर देना भाई मतलब कल कल शायद नहीं पंद्रह तारीख को प्रोजेक्ट देना है इसलिए थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँगा इसलिए माफ़ी दे देना दो दिन की बात है कोई दिक्कत नहीं तो ये इस वीडियो की बात करते हैं यहाँ पर मैं जोजोपुर सिटी आता हूँ और भाई यहाँ पे एक बंदा मेरे साथ आता है और दूसरा बंदा मेरे साथ नहीं आता तो भाई यहाँ पे एक बंदा जो होता है जंप करता है सब्सक्राइबर होता है उसने मैं नाम पढ़ लिया था नाम पिलपेट में एक बॉट को मैंने लिया था तो फिर उसने मैं नाम पढ़ने के बाद जंप करने लग गया था बट भाई जो दूसरा बंदा होता है उसको मेरे से कोई मतलब नहीं था वो अनोन था तो भाई वो बंदा आपस में फाइट करता है मेरे सब्सक्राइबर पील लेता है तो भाई यहाँ पे देखो क्या इंटरस्ट सिचुएशन होती है तो भाई यहाँ पे भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ उस बंदे को स्पॉट करने का क्योंकि जस्ट मेरे सामने इस अपार्टमेंट में बंदा है और मेरे राइट के वाले अपार्टमेंट पे भी है तो भाई यहाँ छह छः पे दो दो बंदे मेरे को लगाते तीन तीन बंदे आ गए हैं और भाई यहाँ पे फाइट हो गई तो बनती है भाई अब देखो भाई यहाँ पे तभी मुझे एक फुट स्टेप आते हैं नीचे साइड से एक बॉट के तो भाई यहाँ पे मैं उस बॉट को मानने जाता हूँ तभी ये बंदा मेरा भाई नाम पड़ता है और भाई यहाँ पे जम मारा लिया जाता है तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने इस बॉट को मारा इस राइट वाले अपार्टमेंट में जो बंदा था उसने हलचल गई और जो पीछे वाला बंदा था उसने भी हलचल गई और उन्होंने भाई मेरा नाम पढ़ लिया तो भाई यहाँ पे जम मारने लग गया बंदा और भाई यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई तो भाई मैं भाई कंफ्यूज मेरे सामने अब मेरे सामने दोनों बंदे हैं अब मुझे यहां पे खुद नहीं पता कौन बंदा सब्सक्राइबर था कौन बंदा नॉर्मल था तो भाई यहाँ पे वो बंदे जम मारने लग जाते हैं और भाई यहाँ पे साउंड सुनो और क्लफिट देखना भाई एक यूएमपी वाले बंदे ने दूसरे बंदे को पीला अपनी यूएमपी से और भाई यहाँ पे मैं समझ गया कि जो जम कर रहा था वो पिट चुका है और जो बंदा है वो फाइट लेने वाला है एज पर दिल्फिड इंग्लिश तो भाई यहां पर तुमने क्लफिड पढ़ ली होगी तो उस बंदे ने उसको पीर दिया अब भाई यहां पर जो बंदा था वो फाइट लेने वाला था और मैं भी उसे फाइट लेता हूं और भाई यहां पे देखो मेरे को एक मौका मिलता है मैंने उसको फिर बहुत गंदा डैमेज दिया था मेरे पे एक मौका था चटके उसको फेलने का बट भाई यहां पे गलत सीन हो गया और यहां पे जो मैं रश था वो फेल हो गया अब देखो भाई आगे की सीन अगर भाई तुमने देखा हुआ जब मैं कवर में गया मुझे तब वही लगी ये होता है भाई फ़ायदा 40 एस डिवाइस का तो भाई बंदे का कुछ 60 या 90 तो कंफर्म ही होगा उस बंदे ने मुझे कवर के अंदर से गोलियां मारी है, है तो कंफर्म उसका कोई अच्छा एफ वाला डिवाइस होगा तो भाई यहाँ पे मेरी एच पी कम हो गई थी मैंने ठीक ठाक डैमेज दे दिया था तो भाई यहाँ पर मैं मॉल करता हूँ और फिर यहाँ पर ऊपर हिल मारता हूँ अब देखो यहाँ पर मैं और भी ट्राई करता हूँ फाइट लेने का फिर ओवरऑल मैं समझ लेता हूँ भाई यहाँ पे फाइट लेना मतलब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि खुद ही सोचो भाई मैं भी क्रॉन टाइम पे यार वो भी क्रॉन वन पे क्रॉन वन का माई समझ रहे हो <coughs> बहुत होता है मैं भाई मुझे बहुत अफसोस है भाई तुम्हारी जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे भाई आपकी कुर्बानी गई और यहाँ पे बट मैं फुल ट्राई किया उसको फेल लेगा नहीं फेल पाया मतलब एंड में तो फेल ही दूंगा कोई दिक्कत नहीं ये पिटी जाएगा किसी ना किसी से बट अभी भाई थोड़ा सा प्लस भी पैरा है और यहाँ पे थोड़ा सा रैंक पुस्ट ही कर रहा हूँ थोड़ी सी रैंक पुच कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैं भाई यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ यहाँ से फॉल बैक करने का तो भाई मेरे पास यूएम पी थी और शार्ट गन थी इन्हीं दो यूनिक कॉम्बो से यूएम पी सी गलती से बोल दिया यूजी और शार्ट गन थी इन्हीं दो यूनिक कॉम्बो को लेकर मैं यहाँ पे निकलता हूँ रोटेशन के लिए गाड़ी उठाता हूँ और सीधा मैं निकल लेता हूँ तो भाई यहाँ पे देखो स्क्वाड हाउस होता है यहाँ पे वहीं पर जाकर होल्ड करता हूँ और काफी देर वहीं पर रुकता हूँ तो भाई यहाँ पे जो नेक्स्ट जो बनता है एकदम भाई हार्ड स्विफ्ट लेता है और पूरा भाई स्टेलबे के साइड बनता है तो भाई यहाँ पे रोटेश ले जाता हूँ और भाई यहाँ पे कुछ लंबी वीडियो बन रही है बहुत पोर्शन दे रहा हूँ यहाँ सीधा भाई निकलता हूँ मैं स्टैंड के साइड यहाँ पे एक तीन घर होते हैं वहीं पर जाके आराम से वहीं पर होल्ड करूंगा और भाई लकीली के लिए यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता तो भाई यहीं पर जाकर मैं होल्ड करता हूँ और भाई मेरे पास अभी गन देख रहे कौन सी है यू जी और डी है और डी मतलब यहीं पर मिल गई थी हाउस से मतलब बहुत कम मेहमान है तो भाई यहाँ पे तभी एक बंदा बहुत मालदार बंदा आता है रश करने और उस बंदे में क्या ही पेला गाड़ी से उतरने तक का मौका नहीं दिया अब देखो यहाँ की फाइट तो भाई बंदे की क्या ही ड्रिफ्ट थी अगर तो ड्रिफ्ट देखियो पीछे वाले टायर पूरे नाच गए भाई क्या ही मतलब स्लाइड मारी बंदे ने ओपी ड्रिफ्ट थी भाई तो भाई यहाँ पे बंदे को मैंने पूरा यूज फैला है तभी भाई यहाँ पे मैं क्लफेटे नाम पढ़ा और देखो सामने वो बंदा जम मारने लग गया अरे भाई शुक्रिया भाई इतने प्यार के लिए थैंक यू ब्रो एवरीबडी जो भाई जो भी बंदा मुझे देखता है इतना प्यार दिखाता है सपोर्ट दिखाता है भाई बहुत बहुत थैंक यू तो भाई यहाँ पे बट भाई पता नहीं क्या था अपना भाई बंदा ने भाई एक भी सेकंड के लिए बाइक नहीं खोला चलो भाई यहाँ पे मीटर चलता रहेगा मैं भाई यहाँ पे सोचा कि ये बंदा मेरी नीचे वाली पेटी कहीं ना लूट ले वैसे भी लूट एकदम खत्म है मैं सबसे पहले यहाँ पे पेटी लूटता हूँ और फिर से बात करता हूँ बात करने की कोशिश मतलब बंदा ने भाई खोला नहीं इसमें मेरी गलती है नहीं तो भाई यहाँ पे काफी ट्राई करता हूँ बंदा कुछ बोले या कुछ भी करे बट भाई बंदे ने माइक नहीं खोला बट भाई मैं यहाँ पे लूटा छोड़ूंगा तो है नहीं फाइव फिंगर क्लॉ हूँ फाइव की फाइव उंगली से लूटू मैंने दबोची है यहाँ पे तो भाई यहाँ पे लूटने के बाद मैं इस बंदे से भाई काफ़ी ट्राई करता हूँ कुछ बोलूँ हेलो हेलो बोले जाता मैं माइक पे बट भाई बंदे ने माइक खोला नहीं ये पता नहीं क्या सीन है बंदे का शायद घर वालों के सामने खेल रहा होगा मतलब चप्पल पड़ जाएगी इसलिए भाई ने माइक ऑन नहीं किया तो भाई यहाँ पे मैं लेता हूँ रोटेशन अब देखो भाई यहाँ की रोटेशन आगे कैसे मैं हिल करता हूँ डील करता हूँ सॉरी डील कैसे करता हूँ और क्या ही मतलब रैंकिंग निकालता हूँ तो भाई यहाँ पर मैं आगे साइड भी बंदे थे पीछे भी थे और राइट में भी थे और मैं डाउन रिच पर पहले से ही हूँ तो भाई सबसे पहले मैं गाड़ी और पेड़ से कवर बनाया फिर स्मोक किया और फिर तभी भाई देखो मैं सामने साइड एक बंदा आता है वो बंदा भाई पता है किस मोड में था मुझे पहले के मोड में था भाई मेरे पे आके के चढ़ गया और भाई ये बंदा मतलब देखो भाई यहाँ पर क्या ही इंटेंस फाइट होती है तो भाई बंदा बहुत ओपी खेला, बहुत अग्रेसिव था बट भाई एवरऑल पिटा कौन यही बंदा पिटा भाई तो भाई यहाँ पे देखो अब राइट साइड में बी आर डी वाला बंदा होता है वो बंदा भी फायर करता है अब भाई यहाँ की फाइट तो भाई यहाँ पे मैं कितना थैंकफुल अपने लक का भाई मुझे खुद नहीं पता दो बार दो बार भाई वन वन एच बचता हूँ और भाई यहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद थी एग्जैक्ट वन एच पी बचता हूँ फिर यहाँ पे अपनी लूट कंटिन्यू कर करता हूँ और भाई फिर मैं सोचा बंदा सामने साइड है गन फाइट नहीं करनी नेड मारता हूँ भाई बहुत सारे नेड मिल गए थे सात नेड थे भाई सारे सारे यहीं पे फेंक दिए जो होगा वो देखी जाएगी तो भाई यहाँ पे मैं रोटेशन लेता हूँ और जूम की तरफ जाता हूँ तो भाई यहाँ पे पता नहीं क्या लगता जोन में बन नहीं रहता हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ डाउन रिच की जगह मिल रही थी तो मैं यहाँ पे गाड़ी स्टवर बनाता हूँ और स्मोक कर देता हूं तभी भाई सामने एक जीआर वाला बंदा होता है मैं इसको पेलता हूँ अब देखो भाई यहां पे, तो भाई इस बंदे को पीलने बाद तभी सामने वाला बंदा मेरे पे रश करता है तो भाई हमें पता नहीं क्या ग्लिच था मैं भाई मौली सामने की तरफ करी एंगल सामने था पता नहीं गाड़ी पे टकरा कर मेरी फट गई बट भाई अच्छा हुआ है यहाँ पे मैं पिटा नहीं इस मौली से और भाई तभी तो देखो यहाँ पे सामने वो बंदा मेरे रश करता है और यहाँ पे वन वी वन तो भाई यहाँ पे मैं साइड नेट उस पेड़ के आसपास पास ही करना था बट भाई बंदे ने फ्लैंग मारी पता नहीं कब एकदम राइट साइड से उसका राइट मेरा लेफ्ट आ गया और भाई यहाँ पे मतलब इस बंदे को एम के सर आराम से भेज दिया तो भाई अपने भाई पे एम जी थोड़ी थी और भाई ने अच्छी फाइट थी और यहाँ पे इस भाई ने मैं वेस्ट भी तोड़ दी अब देखो भाई बिना वेस्ट का हूँ और एंड जोन है लूटिंग टाइम भी नहीं है और पेटी भी नहीं आसपास तो भाई यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ और देखो सामने साइड एक बंदा होता है और यहाँ पे वन वन और मेरे पास लेवल थे कि वेस्ट ही नहीं तो कोई व्यस्त नहीं है अब देखो सबसे बड़ा और सेकंड मिस्टेक में ये हो जाती है एंगल भी सही था एम भी सही था बट भाई पता नहीं एम के गोली एक भी चिपक नहीं थी। तो भाई बंदा वन एच व्यस्ट है तुम डेथ रिप्ले देखो और भाई मतलब अब भाई यहां पर क्या ही बोलो बहाने तो है नहीं एम के ने हक दिया मैंने हक दिया बिस्ट के पिट गया चलो कोई दिक्कत नहीं है कोई बुरा है इतना भी तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो चाहे सब्सक्राइब करो बाय अगर